तो दिमाग शांत रहेगा, घबराओगे नहीं तो हो जाएगा। और अपन घबराएंगे कैसे? नहीं, मेरी बात सुनो, एग्जाम हॉल में घबराहट में बिगड़ता है पेपर, तो घबराहट हम पे ना चढ़े उसके लिए क्या करें? मेरा एक स्टूडेंट था ना, उसने मैथ्स में से जितना बनता था कर लिया, केमिस्ट्री में से जितना बनता था कर लिया, फिजिक्स देखकर नहीं बन रहा था। उसने मालूम क्या किया, यूं सबको देखा, ये सब मेरे नौकर बनेंगे, मैं कंपनी का मालिक बनूंगा, सब IITian मेरे यहां जॉब करेंगे। वहां आराम से थोड़ी देर बैठ गया, 5 मिनट ठंडे दिमाग से। भाई मैंने अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट पढ़ा है, भारत देश में हर बच्चा नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है। आप भी देख लो, समझ देख रहे हो आप? तो ये देश नौकर ही बनेगा ना पूरा का पूरा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये सिखा ही नहीं रहे कि तू बिजनेस में कूद, रिस्क लेनी चाहिए, तभी हम बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। आप समझ रहे हो? मेरे मामा ने, जब मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, तो पहले तो उन्होंने ये पूछा कि यार तेरा हो कैसे गया? फिर हो गया, ठीक है, हो गया, उससे उन्हें दुख हुआ। सुनो तो सही, 1 मिनट, आपका तनाव खत्म कर दूंगा एग्जाम हॉल का। और लिखाई पढ़ाई क्या कर रहे हो? मैं जब काम की चीज बता रहा हूं तब भी तुम पढ़ रहे हो, दैट्स वाई तुम काई की तैयारी कर रहे हो नौकर बनने की। दीवाल से दूर हटो दुबे। सुनो बड़े ध्यान से, मेरे मामा ने मुझे बड़े सुकून से सामने बिठा ला, उनकी चाय पत्ती की दुकान है ओल्ड सिटी में। उन्होंने मुझे बोला, कब 2001 की बात है, कि तेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, फिर क्या करेगा? मैंने कहा नौकरी करूंगा। कहते कितने मिलेंगे नौकरी में? तो उस जमाने में 25,000 रुपये महीना की नौकरी अच्छी मानी जाती थी। मैंने उनसे कहा 25,000 रुपये महीना, 2000 का वर्ष, मतलब आज ये बिल्डिंग 6 करोड़ की है तो उस समय सिर्फ 50 लाख की होती थी। होटल सुरेंद्र विलास है ना, वो प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपये में बिका है, होटल सुरेंद्र विलास DB मॉल के ठीक सामने। आज वो होटल की कीमत कम से कम 15 करोड़ होगी। 83-85 में वो प्लॉट 5,000 में बिका है, सारे लाइन से। तो उस समय मेरा 25,000 बोलना मोर देन इनफ था। उन्होंने मुझे वहीं बिठाया, उन्होंने कहा ये एक पेटी 40 किलो चाय भराती है, इसके अंदर ऐसी लाइन से 5 पेटी रखी हुई है, तो हम जो चाय आती है वैसी की वैसी नहीं बेचते, हम चाय का ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड मतलब मिक्स नहीं, मिलावट नहीं, ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब अलग अलग चाय की पत्ती में अलग अलग गुण होता है, किसी का गोल्डन कलर आता है, कोई कड़क बनती है, कोई स्वादिष्ट बनती है, उनको सही रेशो में मिक्स करते हैं और फिर हमारा खुद का प्रोडक्शन चालू होता है। तो वो जो मिक्स किया फिर वो बिकता है, तो लोग दूर दूर से लेने आते हैं, चाहे कितना भी पेट्रोल जले मगर खरीदेंगे हमारे यहीं से। तो मामा ने समझाया, एक पेटी में इतने किलो चाय, फिर उनने कहा मान लो कि प्रति किलो मुझे 5 रुपए का फायदा होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि डेली इतने रुपए कमाए जाते हैं जितने की सुहाग महीने में कमाने की बात कर रहे हैं। क्या समझ रहे हो आप स्थिति? मतलब बिजनेस है तो हम डेली 25,000 कमा सकते हैं, और नौकरी है तो। एक तो सुनो सेठ की, आज मेरा मूड हुआ हनुमान जयंती है, मैं कुर्ते पजामे पहन कर आया। मान लो मैं कहीं जॉब में होता तो मेरे को उसी कोचिंग की यूनिफॉर्म पहन कर आनी पड़ती।
तो दिमाग में आजादी है फिलहाल मेरे, और मेरे साथ के जो दोस्त थे टॉपर कॉलेज के, वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तो मैं स्टाफ को बांटता हूं। तो खुदा ने मेरी आईआईटी नहीं निकलवाई। एक बार तो मैं एक छोटे से स्कूल में जॉब मांगने गया था, मुझे रिजेक्ट किया गया। तुम होते तो सुसाइड कर लेते। कल ही मैं पढ़ रहा था, जिसने व्हाट्सएप बनाया उसको फेसबुक ने रिजेक्ट किया था, ट्विटर ने रिजेक्ट किया था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, अकेले अकेले व्हाट्सएप बनाया और अब वो फेसबुक का पार्टनर है। तो खुदा आपको यदि नौकरी दिलवा देता, बताओ आप मुझे, फेसबुक में उसको नौकरी मिल जाती पहली बार में, तो आज कोई जानता उसे व्हाट्सएप के नाम पे? तो तुम अपने हिस्से की कोशिश करो, कोशिश से पीछे नहीं हटना है, हमें हमारे हिस्से की मेहनत करना है कि हम पूरी मेहनत करेंगे। मैंने जो टाइम टेबल दिया ना, तीनों सब्जेक्ट बैलेंस रखो, मालूम नहीं साला कौन सा कठिन आ जाए। तुमको मैथ्स पे बहुत भरोसा है या तुमको केमिस्ट्री पे बहुत भरोसा है? पिछले साल की घटना, पूरे इतिहास में सबसे कठिन केमिस्ट्री और फिजिक्स सबसे टुच्ची। अब तुम मान लो कि फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे हो इस 40 दिन में, तुम मैथ्स केमिस्ट्री पे लगे हो, और फिजिक्स इतनी सरल आ गई कि यदि रिवीजन भी करके गए होते तो सिलेक्ट हो जाते, और मैथ्स केमिस्ट्री इतनी कठिन आ गई कि तुम कुछ भी पढ़ लो कुछ नहीं होगा। फिर मैंने क्या सिखाया? तीनों की बैलेंस पढ़ाई करो। हम हमारे हिस्से की ईमानदारी से मेहनत करेंगे, और एग्जाम हॉल में कुछ गड़बड़ महसूस होती है तो सुकून से चारों तरफ नजर घुमाएंगे। यस, ये सारे शार्प माइंडेड मेरी कंपनी में जॉब दूंगा इनको, तभी तो मेरी कंपनी आगे बढ़ेगी। एकदम आनंदित स्वभाव में, सिर्फ सोचना नहीं है, महसूस करना है। आप समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो आप बात को? महसूस करना है, सिर्फ सोचना भर नहीं है, और एकदम 5 मिनट आराम से बैठ जाना है कि यदि मैं रिजेक्ट हो रहा हूं आईआईटी की नजर से, तो खुदा ने मेरे लिए बड़ा ज्यादा बड़ा काम सोच रखा है। तो तुम तनाव मुक्त रहोगे और ये क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। अच्छा ध्यान से सुनिए, मैंने तीसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, मैं उस स्टेज पर आकर भी खड़ा था फिर भी मैं उसे मिटा देता। मैं क्या सोचता, अरे यार ये तो काम का ही नहीं है। उत्ते में एक बच्चे ने क्या बोला, अरे ये 384 का आंसर है। समझ रहे हो आप बात को? इसलिए मैंने क्या बोला, पूरा पढ़ना है, मेरे एक्सपीरियंस का उपयोग करना। एग्जाम हॉल में तनाव तुम पे न चढ़े, इसलिए आनंदित रहना है, और ये महसूस करना है कि यदि खुदा हमको ये चीज नहीं दे रहा है तो हाथ खाली रखना चाहता है, तभी तो ज्यादा बड़ी चीज देगा। उसने अपन को कुछ दे दिया तो हाथ भर गए, इस टेबल पे मुझे कुछ सामान रखना है तो पहले इसको खाली तो करूंगा ना, तब रखूंगा ना। तो एग्जाम हॉल में तनाव ना चढ़े, इसलिए इन दिनों भी टेंशन फ्री रहो कि मैं अपने हिस्से की मेहनत तो कर रहा हूं, मगर जो भी होगा वो मेरे फायदे का होने वाला है। समझ रहे हैं आप बात को? शाहरुख खान फिल्म एक्टर बनने के पहले उसने किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दिया था और वो फेल हो गया था, उसको एंट्री नहीं मिली थी। यदि वो थोड़ा बहुत पास हो जाता तो थोड़ा थोड़ा एक्टिंग करता, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता, खुदा ने क्या किया उसको उधर फेल कर दिया। फेल कर दिया तो उसने पूरा ध्यान इधर लगा दिया। आप समझिए, जो होगा अच्छे के लिए होने वाला है, तो आनंदित रहो और खुश रहो। यदि सारे आईआईटीएन नौकर बन गए, सारे ही नौकर बन गए, तो भैया ऑटोमोबाइल्स की फैक्ट्री कौन डालेगा जिसमें ये लोग नौकरी करेंगे? फैक्ट्री भी तो हमें डालनी है ना उसमें, जो नौकरी देंगे अपन इनको। भाई एकदम आनंदित रहो, टेंशन फ्री रहो, तनाव चढ़ेगा ही नहीं। इसलिए लोग कहते हैं कि माना कि इस दुनिया में भगवान नहीं है,
मगर भगवान को मानने वाले टेंशन फ्री रहते हैं। वो क्या कहते हैं, अरे छोड़ो यार, भगवान निपट लेंगे, सो आराम से। तो दिमाग से टेंशन हट गया तो सही आइडिया आएगा। और जो लोग भगवान को नहीं मानते वो टेंशन में जीते हैं कि यार हमें ही सब करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो बात को? आनंदित रहो, टेंशन फ्री।